We have Saurashtra among us, very active rationalist and atheist. He's got a channel actually, ex-Hindu atheist, YouTube channel. So Saurashtra, why you unmute karo? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, इंडिया में एक चीज मैं देख रहा हूँ नरेंद्र नायकर जी, लोगों में अभी अजीबपन अजीब तरीके से रेशनिटी चल रहा है. कोई एक मुस्लिम होके हिंदू हो जा रहा है, कोई एक हिंदू होके बुद्धिस्ट हो जा रहा है. क्या इससे हमारा रेशनिटी अच्छे से फैल सकता है? आपका क्या विचार है? देखिए, रेशनलिटी फैलाने की बात नहीं है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से आना चाहिए. The transformation should come from within. बाहर से आप जो भी कन्वर्ट करें, ये करें वो करें, इससे कुछ नहीं होगा. You are only putting the mark. एक मार्क निकाल के दूसरे मार्क लगा रहे हैं बस. अंदर की बात क्या है वो तो देखने का है ना. And how the people will live their lives इसके बाद में, वो तो देखना है. नहीं तो ये नाटक होगा कोई कमर्शियल पर्पज के लिए. कोई बोलेगा ये देगा वो देगा, ये वो मिलेगा ये मिलेगा, है ना. मुझे एक राजनीति का नाम याद आ रहा है जो श्रीलंका से था, जिसने कोलकाता में पढ़ाई की. बहुत फेमस है श्रीलंका में, इंडिया में बहुत फेमस है, नाम उतना याद नहीं आ रहा. तो अब्राहम को उनका एक बात है, कोई भी राजनीति. हाँ, श्रीलंका का बहुत फेमस है वो. श्रीलंका का अब्राहम को कल इसका बर्थडे था, कल इसका बर्थडे था. आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, मैं कैसे मूवमेंट में ज्वाइन हो गया उनके कारण, वो भी लिखा है उधर. उनका फोटो भी है मेरे साथ. नहीं, कबीर घोष जी, कबीर घोष के साथ भी है, मैंने देखा था. कबीर घोष से मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, लेकिन अपना मकसद है कि एक मूवमेंट को बनाए, अपने को ग्लोरीफाई मत करे, समझे. हम तो एक मूवमेंट को बना रहे हैं. I am not into glorification of Narendra Naik. I am building up a movement. लोगों को साथ में लेके जाना है, तभी तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा. पूरा हो जाएगा कि वो मालूम नहीं, लेकिन हम तो कोशिश करते रहेंगे. लेकिन भारत में जो विच हंटिंग अभी जो हो रहा है अभी सबसे ज्यादा, मतलब कोरोना काल में, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? जिसके विचार में मैं बोल रहा था कि हम इसके बारे में एक प्रोग्राम करेंगे और सारे चीजों को डिस्कस करेंगे कि ये कोरोना के टाइम पे चीज हुए है कि नॉन साइंस हुआ, बैड साइंस हुआ, सूडो साइंस हुआ और लास्ट में एंटी साइंस भी आ गया. तो ये चीजों के बारे में अभी तो इतने शॉर्ट टाइम में बता नहीं सकते. इसके लिए एक अलग प्रोग्राम करेंगे और इसके बारे में बहुत डिस्कशंस भी करेंगे. ये आगे होने वाला कोविड के टाइम पे ये सारी चीजें कैसे निकल के आ गई, कैसे रिएक्शन हो गया, कैसे इकोनॉमी चला, ये सब बातें सोचने लायक बात है, क्योंकि इट हैज डिस्ट्रॉयड द लाइफ्स ऑफ सो मेनी पीपल.